أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أموات بل أحياء

एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था जिसने ये कहा हो कि मैं इस्लाम छोड़ता हूँ जान जाना गवारा है इस्लाम को छोड़ना गवारा तुम जिसम को जला सकते हो लेकिन मेरे दिल में जो इस्लाम बसा है उसको तुम निकाल नहीं व असलामैक्म व बरकातहू إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم من تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ अल्लाम मसल महमद वाला आल महमद कमल तैया इब्राहिम वाला इब्राहिम हमीदुमजीद मबारक अला महमद वाला आल महमद कमाबारक ताल इब्राहीम वाला आल इब्राहिम्नक हमीदुमजीद सदर मुहतरम करम बुज़ुर्गों दोस्तों साथियों खुवान इस्लाम व प्यारे बच्चों मैंने सुर बकर दो की आयत नंबर दो सौ चौदह पढ़ी है टू वन फोर इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का अनवान है ईमान और आजमाइश सबसे पहले अल्लाह रबुलामीन का बेानतहा शुक्र और अहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजरी को कबूल फ़रमा ले आमी उसके बाद मैं आप तमाम हजरा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी अल्लाह मुझे हकबात कहने खुदमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तोफ़ी दे आमीन माशा बड़ा शांत मजमा है सब लोग बैठे हुए हैं इसी तरह हम शुक्र हैं पुलिस डिपार्टमेंट के भी कि अलहमदिल्ला हमारा साथ दे रहे हैं सामिनिक कराम मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ तो सबसे पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूँ फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा हम और आप तकलीफ़ में हैं कि नहीं हैं हम और आप तकलीफ़ में हैं कि नहीं हैं हम और आप ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या सहाबे कराम ज़्यादा तकलीफ़ में थे साहब कराम ज़्यादा तकलीफ़ में थे याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत घोड़ा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ओहदा, यह है या वो दौलत है ला अला मोहम्मद रसूल्ला ईमान की दौलत है पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ हो जाए और ला इला की दौलत एक तरफ हो जाए दोनों में बराबरी हो नहीं सकती याद रखिएगा हम और आप कुछ भी तकलीफ में नहीं हैं मैं अक्सर बोलते रहता हूं बात को समझाने के लिए तकलीफ जो अभी है वो रोटी या बूटी ये दोनों लफ्ज को देख लीजिए आप रोटी या बूटी शायद के इसी के लिए तकलीफ़ हो लेकिन किसी को ये तकलीफ़ नहीं है कि मैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दूँ अल्लाह का कुरान अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दूँ अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दूँ हम और आप इस सिलसिले में तकलीफ़ में नहीं हैं क्या बयान करूँ बात कहां से शुरू करूँ साहब कराम रिजवानल्ला तीन साल तक एक दो साल नहीं तीन साल तक डिटेंशन कैंप शेबे अभी तालीम में रहे हैं कितने साल तक रहे तीन साल तक क्या खाए हैं चमड़े को पानी में भिगो भिगो के चमड़े को चाटे हैं तीन साल तक हम में से कोई चाटेगा सिर्फ चमड़ा तीन साल तक इतना ही नहीं उन लोगों ने दरख्त के पत्ते खाए हैं पत्ते एक दो साल नहीं तीन साल तक कोई ऐसी नहीं फ्रिज नहीं वॉशिंग मशीन नहीं पत्थरी इलाका है और पत्थरों के बीच में है धूप ही धूप है ये तीन साल अगर हमारी और आपकी जिंदगी में एक दो दिन भी आ जाए तो इस्लाम से भाग जाएंगे तीन साल गौर कीजिए गौर कीजिए बर्दाश्त कर पाएंगे जो भी कलमा पढ़ा है उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अपना भारत देश उनमें से है यहाँ शांति है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हम और आप बड़े ना हैं हमारी लाइफ में दो चीज़ नहीं है एक शुक्र एक सब्र मेरी तकरीर पूरी यही है बस एक शुक्र एक सब्र पूरी तकरीर का खुलासा यही है अपनी लाइफ में ये दो चीज आ जाए शुक्र आ जाए सबर आ जाए तो हम और आप टेंशन में कभी भी नहीं रहेंगे देख लीजिए कितने लोग भीख मांग रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि आप भीख नहीं मांग रहे हैं कितने लोगों के पास आंख नहीं है अल्लाह का शुक्र है आपके पास आंख है हाथ है पांव है कितने के पास वो भी नहीं है अल्लाह का शुक्र और आपको मैं क्या कहूँ अभी जो मुफ्ती आजम है सऊदी अरब के सबसे बड़े मौलाना मुफ्ती आजम वो अंधे हैं नाम जानते हैं? आले शेख अंधे हैं वो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अंधे हैं अंधे हैं मुफ्ती आजम हैं और एक हम लोग आंख वाले हैं और हम में से अंधे हैं जो भीख मांग रहे हैं एक वो अंधा आदमी जो मुफ्ती आजम है एक हम अंधे हैं या हम में से अंधे हैं वो भीख मांग रहे हैं बात नहीं आ रही समझ में मेरे भाइयों अंधापन तरक्की में रुकावट नहीं है रोना छोड़ दीजिए ये कौम सिर्फ रोती है और रोने वालों का कोई आंसू पोछता मेरी उर्दू जरा खराब है इसलिए मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा ये कौम रोती है रोने वाले का कोई आंसू पोछता नहीं है हर घर में नमक है लेकिन हर घर में मरहम नहीं है नहीं समझे हर घर में नमक है नमक को आप जख्म पे लगा दीजिए नमक अच्छा जख्म अच्छा होगा या खराब हो जाएगा भाई नमक अगर जख्म पे लगा दीजिएगा तो जख्म और खराब हो जाएगा लेकिन मरहम अगर लगा दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा जो ट्यूब लगाते तो हर घर में नमक है लेकिन हर घर में मरहम नहीं है टूब नहीं है मेरे भाइयों रोना नहीं बल्कि रोने वालों का आंसू पोछिए मुझे कहने दीजिए हम और आप रोते हैं। भारत के अंदर क्रिश्चियन लोग कितने हैं टू परसेंट होंगे बस या फाइव परसेंट बस टू परसेंट या फाइव परसेंट मैं अपनी और उर्दू खराब नहीं करना चाहता वरना और मैं लो लेवल पर जाके आपको बोल सकता था ये कौम ऐसी है दो चीज में आगे आगे है नंबर एक शादी हॉल बनाने में हम मुसलमान आगे आगे हैं अब जो शादी हॉल वाले होंगे मुझे अब आइंदा के लिए ड्रॉप भाई मौलाना को बुलाना नहीं लेकिन जो हकीकत है वो है मैंने शादी हाल बनाने से मना नहीं किया कृष्ण लोगों के शादी हॉल क्यों नहीं है नंबर दो हमारे मोहल्ले में होटल्स हैं क्रिश्चियन लोग दो तीन चीज खोल रहे हैं स्कूल है चर्च है हॉस्पिटल है ईमान और आजमाइश रोना छोड़िए रोना छोड़िए रोना छोड़िए देने वाले बनिए देने वाले बनिए रोना छोड़िए जिसने भी कलमा पढ़ा है उसकी आजमाइश होगी क्योंकि यह दुनिया मोमिनों के लिए जेल है काफिरों के लिए खेल है जन्नत है अब आगे और बोलना था लेकिन नहीं बोलूंगा मैं मेरे भाई हो आजमाइश तो होगी आजमाइश होने वाली है और ईमान की दौलत इस्लाम की दौलत अल्लाह की दौलत है किसी मुसलमान की दौलत नहीं है कोई मुसलमान यह कह दे ये फला मुसलमान हो जाओ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह न चाहे कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता लादी सुरह, सुरह नंबर दो सौ छप्पन दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अल्लाह दिल में डालेंगे तभी कोई कबूल कर सकता वरना नहीं दलील सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर चौबीस चौबीस नंबर तो अहम होता ही जानते आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आए रूह निकल रही है या ला इल्लल्लाह अशहदु लका बिहा इंद चा जान कान में बोल दीजिए ला इल्लल्लाह कल क़यामत के दिन मैं आपके लिए हजत कर लूँगा समझ लूंगा मैं सिर्फ कान में बोल दीजिए बस दो गुरु घंटाल बैठे हुए थे ये गुरु घंटाल हर जगह घूमते रहते अब्दुल्ला बिन नबी उमैया और अबू जहल दो क्या बोले अतर आतर कबान अब्दुल मुत्तलिब ओहो अपने बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार बोल रहे हैं बस कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान की अहमियत इस्लाम की अहमियत समझिए जो दौलत हमें और आपको मिली हुई है और हम और आप बड़े ना शुक्र हैं जब रूह निकली तो अब तालिब ने कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए कितना ऊंचा है काश के हमारा और आपका भी अखलाक ऐसे हो जाता हम और आप सिर्फ सबको फतवा दे दे कर निकाल लें इसको बाहर उसको बाहर उसको बाहर ये काफिर ये मुशरिक ये मुनाफिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए मरने के बाद भी अपने काफिर चचा के लिए दुआ कर रहे हैं हम में से कोई है जो दुआ करेगा कि अल्लाह माफ़ कर दे एक दाई का अंदाज ये होना चाहिए कि आखिरी जब तक जब तक रूह निकल जाए उसके लिए कोशिश करे क्या हम और आप कर रहे हैं नहीं कर रहे मेरे भाई हो उसके बाद क्या हुआ अल्लाह ने रोक दिया बोले नहीं इ ना तद मन हहब वन यह मै शाह वह आबुलहदीन शुरु़स नंबर अट्ठाईस आयत नंबर छप्पन कि आप जिसको सीधा रास्ता दिखाना चाहते आप नहीं दिखा सकते अल्लाह जिसको चाहता दिखाता है और अल्लाह ही को बेहतर मालूम है किसी को सीधे रास्ते की ज़रूरत है मेरे भाई को बताना ये कि ईमान की दौलत इस्लाम की दौलत जो अल्लाह ने हमें और आपको दे रखी है यह सबसे बड़ी दौलत है और हम सब के नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम है। ये हैं ये नबियों के सरदार हैं वलियों के सरदार हैं सबके सरदार हैं जिनके सरदार ऐसे हो, उनकी उम्मती अफसोस करे रोए और घबराए हालात का मुकाबला करना सीखिए हालात चाहे जैसे भी रहें ये पार्ट ऑफ लाइफ है हालात जैसे भी रहे ये पार्ट ऑफ लाइफ है हालात से मुस्कुरा कर निकल जाइए यही आर्ट ऑफ लाइफ है आ रही मेरी उर्दू मेरे भाइयों हालात जैसे भी रहे ये पार्ट ऑफ लाइफ है और हालात से मुस्कुरा कर निकल जाइए यही आर्ट ऑफ लाइफ है अगर वाकयात मैं आपके सामने रखूंगा आप सुनेंगे तो लेकिन अपनी लाइफ में ऐसा करके देखाना वो सहाबे कराम को मिला है हमें और आपको नहीं हम टिकी नहीं पाएंगे हम टिकी नहीं पाएंगे इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे ही नहीं अल्लाह ने ये दौर में रखा है क्योंकि हम यही हिसाब से चल पाएंगे इसलिए मेरे भाई हो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए आइए मैं धीरे धीरे चलूँ ज़रा बता दूँ जो आयत मैंने पढ़ी उसका खुलासा समराइज बयान कर देता हूँ जन्नत में जाना चाहते हो यूं ही चले जाओगे अरे बड़ी आज़माइश आने वाली है हालत यहाँ तक आ जाएगी कि ईमान वाले और रसूल भी कहेंगे मता नसरुल्ला अल्लाह की मदद कब आएगी कब आएगी कब आएगी तो अल्लाह ने कहा अला इन्ना नसरुल्लाह करीब अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है अब आइए चले धीरे धीरे चले जिसने भी कलमा पढ़ा है उसकी आजमाइश होगी चाहे जैसे भी हो क्योंकि पहले भी लोगों की आजमाइश हुई है मैं धीरे धीरे घुसना चाहता हूं अपनी तकरीर में तो चलिए मैं घुस गया एक हदीस मैं लेता हूं लंबी रिवायत है वो और उसी से पूरा मसला हमारे सामने आएगा पहले यह बता दूं कि अगर तकलीफ नहीं आएगी तो कल क्यामत के दिन हम लोग अफसोस करेंगे बोलिए अफसोस करेंगे कि नहीं क्यामत के दिन नहीं समझे अगर तकलीफ नहीं आएगी तो क्यामत के दिन अफसोस करेंगे तो अफसोस करने वाला बनना है या इनाम लेने वाला बनना है तो वो हदीस सुनाता हूं चलिए सुना ही देता हूं तब बात समझ में आए सुरहना तिरमजी किताबु जहुद हदीस नंबर 2402 यवद्द अहलुल आफियत यौमल कियामा हीना युक्ता अहलुल बला अल सवाब لو अन्न जुलूदहुम कानत कुरजत फिड दुनिया बिल मकारिज कल कियामत के दिन जो दुनिया में बड़े अच्छे थे जिनको कोई तकलीफ नहीं हुई कल कियामत के दिन जब ये लोग उनको देखेंगे जो दुनिया में तकलीफ में थे कि तकलीफ वालों को अल्लाह इनाम दे रहे हैं तो अच्छे लोग कहेंगे सुनिएगा हदीस कल क्यामत के दिन जो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ में थे या तकलीफ में थे अल्लाह मरने के बाद इनाम दे रहे हैं तो कहेंगे क्या कहेंगे काश के कैंची के जरिए हमारे चमड़ों को भी काट दिया जाता ताकि हमें भी यह इनाम मिलता आ रही बात आ रही समझ में तो बोलिए अफसोस करने वालों में बनना है या इनाम लेने वालों में बनना है कल वहां यानी तमन्ना करेंगे काश के दुनिया में हमारे चमड़े को, को कोई कैंची से काट देता ईमान की वजह से कैंची से काट देता तो आज हमको इतना इनाम मिलता तो इनाम लेने वालों में बनना है या फिर अफसोस करने वालों में या हाय हाय करने वालों में बनना है जब यह हदीस मैंने पढ़ी एक दो जगह मैंने सुनाई तो आप सब लोगों ने कहा कि भैया अब हम लोग ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या साहब कराम ज़्यादा तकलीफ़ में है जो भी जितना ज़्यादा यहाँ तकलीफ़ उठाएगा कल क़्यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उतने बड़ा इनाम पाएगा इसलिए मेरे भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है आइए चलते हैं ईमान वालों की आजमाइश हुई है दलील सही मुस्लिम किताब जो हदीस नंबर थ्री जीरो ज़ीरो फ़ाइव सहेब रज़ी तब बयान फरमाते हैं कि एक बादशाह था उसके यहाँ एक जादूगर था तो जादूगर बादशाह के पास आता था फिर उसके बाद बादशाह से जादूगर ने कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ मैं बूढ़ा हो गया तो कोई लड़का दे दीजिए ताकि मैं उसको सिखा दूँ तो एक लड़का दिया गया तो लड़का सीखने जाता जादूगर के पास भी जाता और उसके बाद एक मोली साहब के पास भी जाता जादूगर के पास भी जाता है साहब के पास भी जाता और दोनों सीखता एक मरतबा रोड पर रास्ते पर एक सांप आ गया जब सांप आ गया तो उधर के लोग उधर इधर के लोग इधर तो उस लड़के ने कहा कि आज मैं इम्तिहान ले लेता हूँ आज मैं जांच लेता हूँ कि मूली साहब का इलम अच्छा है या जादूगर का इलम अच्छा है उसने एक पत्थर उठाया और कहा अल्लाह तू जानता है किसका इल्म अच्छा है फ्तुल्हा दाबा तो मैं मार रहा हूं और तू इस जानवर को मार दे किसका इल्म अच्छा जादूगर का या मौलवी का मौली साहब का तो उसने पत्थर ऐसे मारा वो जानवर मर गया जब जानवर मर गया तो उस बच्चे को यकीन हो गया कि जादूगर की बात सही नहीं है ये मौली साहब की बात सही है तो उसके बाद वो मौली साहब के पास पहुंचा तो उसके बाद कहा मौली साहब ने बेटा देख इन्ना का तला बेटा देख तेरी बड़ी आजमाइश होने वाली है क्योंकि तू एक बड़ा आदमी बनेगा और तेरी बड़ी आजमाइश होगी बेटा देख ले अब ठीक है आजमाइश होगी तो होगी अल्लाह ताला ने उस नौजवान के हाथ में एक ऐसी चीज़ रख दी कि अंधों के लिए भी वो दुआ करता तो अंधों को आँख मिल जाता आज हमारे और आपके पास आंख है आंख है लेकिन इस आंख की अहमियत हमें और आपको पता नहीं माँ बाप हैं माँ बाप की अहमियत पता नहीं अरे उनसे पूछ लीजिए जिनके पास माँ बाप नहीं है आंख की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास आंख नहीं है हाथ की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास हाथ नहीं है हम और आप बड़े नाशुक्रे हैं सबर करने वाले कब बनेंगे उसके बाद बादशाह का एक दरबारी था जो बादशाह के दरबार में बैठता था ये सही मुस्लिम की मैं हदीस सुना रहा हूं तो उस बादशाह के दरबारी को यह पता चला कि एक लड़का ऐसा है जो दुआ कर देता है तो अंधे लोग भी ठीक हो जाते बेहदाया कसीरा तो वो बहुत सारे तोहफे तहयफ लेकर आया गिफ्ट लेकर आया और मिलने के लिए गया इससे यह पता चला जब हम और आप मौलाना लोगों से या आलिम साहब से मिलने के लिए जाएं तो गिफ्ट लेकर जाएं बेहदाया कसीरा अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इशारा इधर उधर समझ रहे होंगे प्लीज वैसा मत समझिएगा लेकिन इस हदीस में जो मिला वो मैंने बता दिया कसीरा तो वो लड़का क्या था बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेकर गया गिफ्ट दिया नबी वसल्लम गिफ्ट देते भी थे और लेते भी थे वन साइड वाला मसला नहीं था इसलिए दोनों तरफ से होना चाहिए तो क्या हुआ वो लेकर गया पहुंचे वहां तो बच्चे ने पूछा देखिए आप एक अल्लाह को मानते क्या जब एक अल्लाह को मानेंगे तो मैं दुआ कर दूंगा और वही अल्लाह आपकी आँख को सही कर देंगे तो बोले हाँ मैं एक अल्लाह को मानता हूं ये मान लिया हो तो उसके बाद उस लड़के ने दुआ कर दिया तो जब दुआ कर दिया तो वो आँख वाला हो गया पहले अंधा था लेकिन अब आंख वाला हो गया और जब आंख वाला हो गया तो फिर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह सलामत नहीं है ए भाई कल तक तो आप अंधे थे मेरे दरबारी लोग अंधे थे और आज आप आंख वाले हो गए बोले हाँ, बोले हाँ। क्यों मेरे रब ने मुझे आंख दे दिया है तो उस बादशाह ने कहा कि मेरे अलावा भी कोई रब है अल्लाह है क्या आज भी वक्त के फिरौन को यह लगता है कि वो जो चाहे कर दें। उन्हें डरना चाहिए कि ऊपर वाला मौजूद है और उसकी लाठी में आवाज साथ नहीं दे रहे हैं आप लोग उसकी लाठी में आवाज नहीं है नहीं है ताकत का नशा ज्यादा दिनों तक चलता ओहदे का नशा ज्यादा दिनों तक चलता दौलत का नशा ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है ठीक है उसने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे आंख दिया है पहले मैं अंधा था अब आप याद रखिए कि बादशाह सलामत के सामने कोई उसे चैलेंज कर दे कि उसके अलावा भी कोई अल्लाह है बड़ा चैलेंज है ना उसके बाद उस बादशाह ने उस दरबारी को पकड़ के मारा और कहा बोल तेरा आंख कहां से आया और किसने क्या किया तेरे लिए तुझे बचा, बताना पड़ेगा बोल बता इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वो ही लिया आज भी मार मार के मार मार के साइन करता कि नहीं करता देखिए मैं फिर उर्दू खराब नहीं करना चाहता लेकिन थोड़ा घूम के फिर जा रहा हूं मैं मार मार के साइन करवाते करता कि नहीं करता बादशाह अपनी ताकत के बलबूते किसी की जान तो ले सकता है लेकिन ईमान साथ नहीं दे रहे ईमान दिल से मोहब्बत अल्लाह की निकाल नहीं सकता ठीक है तेरा कौन तेरा कौन तेरा कौन तो बोले वही लड़का है ला उसको उठा के लेकर आ तेरा गुरु कौन है गुरु और छेला दोनों बादशाह के दरबार में आ गए छेला यही ना दरबारी उसका आंख सही हो गया गुरु कौन वही लड़का जो उसने दुआ किया था दोनों दरबार में हाजिर हो गए जब दरबार में हाजिर हुए तो उस लड़के से कहा तेरा गुरु कौन है तो वही मुली साहब इशारा नहीं समझ रहे हैं समझाना पड़ेगा समझ नहीं रहे हैं समझाना पड़ेगा खास को उठा लो फिर देख लेंगे अब जो ना हो वो तो होगा ही अब और कुछ बोलना है अच्छी बात है सो रहे हैं या जाग रहे हैं अब्दुल हादी भाई मुस्कुरा रहे हैं समझे तेरा गुरु कौन है बोल बता दिया ये है आज लिंक लग रहे हैं कहां 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 सबको उठा के ला आप उठा के ला सकते हैं लेकिन दिल से इस्लाम को निकाल ठीक है उठा के लिया तेरा अल्लाह कौन है आज ऐसी बात करते ना लोग दिखा अल्लाह को नवजबल्ला किसी बात करते भाई फैत है ईमान है हम आपको मुक्का मारे तो दर्द दिखाओ हम आपको मुक्का मारे तो दिखाओ दर्द कैसा लगता है दिखाओ ठीक है बोला कौन है बोले अल्लाह अब तीन आदमी जमा है बादशाह का दरबारी वो लड़का और लड़के के मुली साहब तीनों आदमी बादशाह के दरबार में हाजिर है बादशाह ने क्या किया अपनी ताकत के नशे में उसने आरा मंगवाया आरा आरा मंगवाया और भरे दरबार में भरे दरबार में अपने दरबारी को जो पहले बेचारा अंधा था आंख वाला हो गया और एक अल्लाह को मानने वाला हो गया आरे से चीर दिया ताकत के नशे में चीर तो सकते हो लेकिन दिल से ईमान को निकाल चीर दिया अब मुली साहब की बारी आई उसको भी धक्के चीर दिया दो हो गया जब दो आदमी को चीर दिया तो वो ये समझ रहा था बादशाह कि ये तीसरा जो बच्चा है ये भी डर जाएगा डर जाएगा और इस्लाम को छोड़ देगा इसलिए कहा इर्ज अंदीन तो अपने दीन को छोड़ दे बोले ये नहीं हो सकता मैं अपने दीन को छोड़ दूं एक अल्लाह को ना मानूं ये हो ही नहीं सकता बादशाह ने उस बच्चे को आरे से नहीं चिरवाया मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों नहीं चिरवाया बता सकते हैं आए रे भाई बच्चे को अगर चिरवाते तो पब्लिक क्या कहती है? क्योंकि बच्चों के लिए आ है अरे बादशाह सलामत कितना गया गुजरा है कि बच्चों को भी मार रहा है यू कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता फिर उनको कॉलेज की न सूझी अरे कॉलेज बना लेता बच्चों को कत्ल किया लेकिन मेरा रब तो ऐसा है जिस बच्चे को कत्ल करना चाहा उसी के घर में उस बच्चे की परवरिश करवा दी उस बच्चे का नाम क्या है मूसला तो सलाम मेरा रब कैसे क्या करता है सिस्टम को कैसे घुमाता है दुनिया की कोई भी ताकत समझने वाली नहीं जो समझ गया वो बच गया जो नहीं समझा वो मर गया बच्चे को नहीं मारा क्योंकि अगर वो मार देता तो मसला गड़बड़ हो जाता अब बच्चे को मारने का तरीका इख्तियार किया लोगों से कहा इसको ले जाओ पहाड़ के ऊपर से ले जाके फेंक दो ईमान वालों की आजमाइश होनी है चाहे जो भी हो जाए पहाड़ के ऊपर जैसे ले गए फेंकने के लिए और फेंकना चाहा अल्लाह मकफिन बेमाशे अल्लाह मेरी तरफ से तू उन लोगों के लिए काफ़ी हो जा मेरे भाइयों अपनी दुआ में वो तासीर पैदा करो अपनी दुआ में वो तासीर पैदा करो हलाल खाओ कि जब दुआ करो फौरन दुआ कबूल हो जाए जब तक हलाल नहीं खाइएगा दुआ कबूल नहीं हो सकती अल्लाह मकफिन नहीं है बेमाशेर अल्लाह मेरी तरफ से तू इन लोगों के लिए काफी हो जा पहाड़ हिला पहाड़ हिला सब गिर गए मर गए ये बच्चा बच बच्च के बादशाह सलामत के सामने फिर आगे खड़ा हो गया वो लोग कहाँ गए कफानी हम अल्लाह ने उनको समझ लिया बादशाह को बादशाह का अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई जिनको अपनी ताकत पर घमंड है अपने वोट पर घमंड है अपने ओहदे पर घमंड है अगर नशा में चूर रहेगा तो वो चूरा चूरा हो जाएगा फिर मेरी उर्दू खराब होती जा रही है मैं बचना चाहता हूं नहीं बोलूं नशा में जो चूर रहेगा उसको चूरा चूरा कर दिया जाएगा मेरा अरब खुद ही उसको चूरा चूरा कर देगा कुछ करने की जरूरत नहीं उसकी लाठी में आवाज नहीं है अब क्या करेंगे तो कुछ लोगों का इस बच्चे को ले जाओ इस बच्चे को ले जाओ और इसको ले जाकर समुंदर में फेंक दो कुछ लोग लेकर फिर गए भाई बादशाह सलामत के आगे पीछे करने वाले लोग होते कि नहीं होते अब आगे बोलूँगा तो आप बोलिएगा फिर मैं दलाल मीडिया गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता मैं अपनी उर्दू खराब नहीं करना चाहता वरना आप लोग बोलिएगा गोदी मीडिया और दलाल मीडिया हम यहां मिला रही है और क्या कर रही है मेरे भाइयों मैं ये सब बोलना ही नहीं चाहता ठीक है लेके गए जैसे ही समुन्दर में फेंकना चाहा अल्लाहम मकफी बेमाशे अल्लाह तो उन लोग के लिए काफी हो जा कश्ती हिली सब मर गए बच्चा बच के निकल के फिर बादशाह के दरबार में आके खड़ा हो गया एक डॉक्टर साहब का वाक्य आपने यूपी में सुना होगा नहीं सुना है सुने हैं कि नहीं अमा यार कहा रहते हैं हम और आप कितने भोले हैं भाई कहां रहते हैं हम और आप कहाँ रहते हैं हम और आप कानून का गलत इस्तेमाल आप कर सकते हो लेकिन भाई हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है सबने बरी कर दिया है डॉक्टर साहब को वो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं बेचारे कितने साल से भाग रहे हैं उनको दोबारा नौकरी मिल आप नौकरी छीन सकते हो नहीं दे सकते हो लेकिन उस डॉक्टर में जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप छीन सकते सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट भी उस डॉक्टर के टैलेंट के लिए गवाह है मेरे भाई वो टैलेंट पैदा करो अपने अंदर टैलेंट पैदा करो कुछ लाओ अपने अंदर आसमान को झुकाने वाला कोई चाहिए है कि नहीं दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए अगर आप हक पर हैं आपकी आजमाइश होगी लेकिन जो सत्य है सही है सच है उसको झुटलाया नहीं जा सकता मेरी उर्दू जरा खराब है उसके लिए माजरत कर लेता हूं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं लखनवी उर्दू में बात नहीं कर सकता इसलिए मैं सिर्फ पैगाम देना चाहता हूं मेरे पैगाम को आप समझ गए मेरी बात समझ गए मेरे भाई जैसे ही फेंका बादशाह सलामत के दरबार में वो फिर आ गया बोले बादशाह सलामत आप मुझे मार नहीं सकते जिसको ऊपर वाला क्या बोलते हैं जिसे वो रखे उसे कौन चखे है ना अरे जिसको ऊपर वाला जिंदा रखना चाहे जिसे ऊपर वाला जिसके साथ हो जाए दुनिया की कोई ताकत कुछ कर सकती नहीं। बादशाह सलामत मैं वैसे मरूंगा नहीं तू मरेगा कैसे बता बता आज ताकत का ओहदे का घमंड है जेलों में ठूस सकते हो लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है कैसे मरेगा बहुत आसान है बादशाह सलामत मैं सिर्फ मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं मैं इधर उधर नहीं भाग रहा हूं क्या करेंगे एक दरख्त से मुझको बांध दीजिए और दरख से बांधने के बाद आप एक तीर चलाइएगा और तीर भी बोलिएगा बिस्मिल्ला रब्बिल गुलाम अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है बादशाह के मुंह से भी अल्लाह का नाम निकलवा ही लिया बादशाह के मुंह से भी उस बच्चे ने अल्लाह का नाम निकलवा ही लिया बोले जब तक अल्लाह के नाम के साथ जब नहीं ये करोगे उस वक्त तक मैं मर नहीं सकता लेकिन बात यह है कि मुझे एक दरक से बांध दीजिएगा और सब लोगों को आप बुला लीजिएगा बोले अच्छी बात है बादशाह भी खुश हो गया कि अगर सबके सामने इसको सजा देंगे तो सब लोग डर जाएंगे सबके सामने सजा देंगे तो डर जाएंगे एक गुरु को उठा लो तो चेले लोग डर जाएंगे होगा आ रही है बात समझ में आ रही है आप लोगों आ रही है डर जाएंगे बोले सबके सामने बादशाह सलामत ये कीजिएगा बोले हाँ ठीक है बादशाह भी खुश हो गए अच्छा है बवाल खत्म हो जाए वैसे ही हुआ उसको रस्सी से बांधा सब लोग देख रहे हैं एक मैदान में है और बादशाह ने कहा बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है और तीर चलाया उस बच्चे को लगा बच्चा मर तो गया जितने लोग आए हुए थे सबने कहा आमन्ना बे गुलाम आमन्ना बे गुलाम आमन्ना बे रब गुलाम हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए सब लोग एक अल्लाह को मानने वाले हो गए उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया क्या चाल चले थे और क्या हो गया आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट इंसाफ 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 की उम्मीद है और किरण बाकी है और आखिर में अल्लाह की अदालत बाकी है कुछ नहीं हुआ तो अल्लाह की अदालत में दे देंगे हम और आप हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं मालिक योम दीन बदले के दिन का मालिक है मेरे भाई यही तो अकीदा है हमारा दुनिया में अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो अल्लाह की दरबार में तो मोमिन होगा वहां तो इंसाफ होगा घबराता नहीं मोमिन कभी घबराने का नहीं आगे क्या हुआ जब सब लोग कलमा पढ़ने वाले हो गए एक अल्लाह को मानने वाले हो गए तो बादशाह सलामत ने आग जलाया इतना बुद्धू था कुछ तो समझ जाता लेकिन ताकत का जो नशा है घमंड जो है हम ही हैं हम ही हैं अभी रहेंगे पचास साल तक सौ साल तक हम ही तो हैं क्या हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है ठीक है बादशाह सलामत ने आग जलाया बादशाह सलामत ने आग जलाया पूरा आग जब जल गया तो सब कलमा पढ़ने वाले को आग में डाल दिया गौर से सुनिएगा मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं अभी एक ही हदीस लिया हूं पूरे कलमा पढ़ने वाले को आग में डाल दिया एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था जिसने ये कहा हो कि मैं इस्लाम छोड़ता हूं जान जाना गवारा है इस्लाम को छोड़ना गवारा तुम जिल दिल तुम जिसम को जला सकते हो लेकिन मेरे दिल में जो इस्लाम बसा है उसको तुम निकाल नहीं सकते सबको जला दिए एक औरत थी जिसे एक बच्चे को लेकर आग में कूदना था अब वो बच्चे की वजह से तका अरबी की इबारत में कि वो जरा पीछे हटी हिचकिचाई कि छोटा सा बच्चा है इसको लेकर आग में कूदना है क्योंकि अल्लाह वाले को जलाया जा रहा है ताकत का नशा है बादशाह जलाया जा रहा है उसके बाद क्या हुआ उस बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया और कहा जैसे जुमले मुसरत अहमद में भी एक आमी जान तू तो हक पर है मुझे लेकर आग में कूद जा फिर वो उसे लेकर आग में कूद गई यही वाकया सूर्य बुरु सूर्य नंबर पचासी में जिक्र किया गया है कि ईमान वालों को आजमाया गया है और क्यामत की सुबह तक आजमाया जाता रहेगा तो मैंने अभी सिर्फ एक हदीस पढ़ी है चलिए एक हदीस और पढ़ देता हूं ईमान वालों की तो आजमाइश होगी चाहे जो भी हो जाए वक्त का फिरौन जान ले सकता है ईमान नहीं ले सकता मुसनत अहमद अब एक औरत का वाक्य सुना रहा हूं माँ बहने भी हैं बच्चे का सुना दिया नौजवान का सुना दिया माँ बहनों का वाक्य सुनाना है मुसनत अहमद की रिवायत है हदीस नंबर 2821 सही रिवायत है ये नबी वसल्लम मेराज पर गए हैं खुशबू सूंघने को मिली है खुशबू आ रही है महाज ही है फरिश्तों से कहा बेहतरीन खुशबू आ रही है हाजही माशित अबन फिर व उला दिहा यह खुशबू फिरओन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है जो मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ रही है खुशबू अच्छी लग रही है आखिर यह वाक्य क्या है मां बहनों के नाम पैगाम है आप में सुमैया है अरे अबू जहल सुमैया की जान तो ले सकता है लेकिन ईमान नहीं ले सकता मार तो सकता है लेकिन दिल से इस्लाम को निकाल नहीं सकता अम्मार है यासिर है अरे हम लोग तो उन्हीं की औलाद है मेरे भाइयों, बिलाल हबशी है रास्ते पर घसीटा जा रहा है रस्सा गले में बधा हुआ है रस्सी बधी हुई है जबान पर है अहद अहद हमें और आपको कोई अभी घसीट रहा ना चलिए देखिए मेरा जरा बिहारी ले जाए तो जरा माजरत कर लेता हूं नहीं कुछ समझ में आए तो माफ कर दीजिएगा लेकिन मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं और दिमाग और भेजे में घुसा दूं मेरी अपनी पर्सनल कोशिश ये है अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू तो मिली पूछा माजिर राही अब तो ये कोई ये क्या है का फिर की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है वाकया क्या है वाकया ये है फिरौन की बेटी को एक नौकरानी एक औरत कंघी कर रही थी तो कंघी एक मरतबा गिर गई तो उस नौकरानी ने कहा अल्लाह इसलिए मेरे भाई जब कोई चीज़ गिर जाए तो हमें और आपको बिस्मिल्लाह अल्लाह बोलना चाहिए एक नौकरानी का भी अकीदा कितना मजबूत है अल्लाह वाला है कि फिर के घर में रह भी वो अल्लाह का नाम लेती है वो अल्लाह का नाम लेती आज हमारी माए बहने कहा इस्लाम के बारे में इतनी मोहब्बत करने वाली है अल्लाह जैसे कहा अल्लाह तो फिरओन की बेटी ने कहा अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा क्या गौर से तो सुनिएगा फिरओन की लाश रखी हुई है मिसर में कहां रखी हुई है भाई मिसर में म्यूजियम में चले जाइए देख लीजिए कहा मेरे अब्बा क्या बोले नहीं एक नौकरानी ने कहा एक औरत जात ने कहा एक नौकरानी ने कहा एक औरत जात ने कहा कि नहीं आपका रब आपके बाप का रब और मेरा रब अल्लाह है अब इस जुमले पर गौर कीजिए फिर के घर में फिर के अलावा किसी और को अल्लाह कहना इसका मतलब है अपनी जान धो देना खत्म जान गई आज जान हमारी नहीं फिर ने बुलाया फिरन ने कहा मेरे अलावा भी कोई अल्लाह है क्या नवजिल्ला उसने कहा तो उस औरत ने कहा आपका रब मेरा रब अल्लाह है अब देखिए इतना बोलना था फिरौन जिससे पूरी दुनिया कांपती थी पूरी दुनिया कांपती थी दुनिया कांपा करे ईमान वाले कभी कांपते ईमान वाली कभी कांपती दुनिया कांपे कांपे जो करना वो करे लेकिन ईमान वाले कभी कांपने वाले नहीं है ईमान वाली कभी कांपने वाली नहीं है उस औरत ने कहा मेरा रब और आपका रब अल्लाह है और मैं एक अल्लाह को मानती हूं बोले अच्छा तेरे को छोड़ना पड़ेगा बोले ये तो नहीं हो सकता जानती है क्या अंजाम होगा मैं मुसनद अहमद की रिवायत सुना रहा हूं जानती है क्या अंजाम होगा गौर से सुनिएगा हमें और आप पर उतना इम्तिहान अभी तक नहीं आया है क्या होगा पता है क्या होगा यही होगा ए चल उठा चला जाओ पीतल के बर्तन लगाओ उसमें तेल गरमाओ गौर कीजिएगा पीतल के बर्तन लग रहे हैं तेल गरम हो रहा है मुर्गी का या मुर्गे का ब्रुष्ट खाते हैं ना हमारा देखते हैं कैसे वो जलता है वो उबलता है तेल गरम हो रहा है वो भी पीतल के बर्तन में जानती हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा अब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है बोलो मुसरत अहमद की यदि सुना रहा हूं आखिरी ख्वाहिश मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी हड्डी को और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक साथ कबर में दफना देना बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है अब आगे मैं कुछ और बोल सकता था लेकिन मैं अपनी उर्दू खराब नहीं करूँगा वरना दो तीन कमेंट्स थे मेरे इसके ऊपर हमारी और आपकी आखिरी ख्वाहिश रूह निकलती है तो दीवार को देखते बेटा इसको बना लेना देखते हैं जिसके साथ झगड़ा है छोड़ना नहीं चलाते रहना आखिर दम तक आखिरी ख्वाहिश ईमान वालों की के मेरी हड्डी को मेरे बच्चों की हड्डियों को एक साथ रख देना बस बोले ठीक है बोले हाँ अब एक एक करके उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को तेल में डाला जा रहा है एक माँ पर क्या गुजरी होगी वो माँ ही जान सकती है मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जिनके पास माँ बाप हैं आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया बाबा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया क्या किया कुछ नहीं किया मेरे भाइयों सब कुछ तो उसी ने किया आज हो जो हम और आप हैं उन्हीं की वजह से है बाप धूप में जलता है माँ चूल्हे पर जलती है औलाद पलती है और आजकल की औलाद कहती है कि अब्बा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया आ रही मेरी उर्दू आ रही समझ में जरा लो लेवल की हो गई माफ कीजिएगा फिर भी औलाद कहती है कि अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया चलिए एक एक करके अंदर डाला जा रहा है डाला डाला आखिरी में एक बच्चा था जो गोद में था वो औरत ज़रा पीछे हटी और कहा ये कैसे होगा उस बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया और कहा या उम तिमी फिन नज़ाबत दुनिया अहवनों में नज़ाबिला अम्मी जान तू हक पर है मुझे लेकर तेल में कूद जा फ़क्ता हमत वो औरत कूद गई उस औरत ने जो ईमान को बचाया और अपनी जान दे दी तो अल्लाह ने कौन सा इनाम दिया है कि नबियों के सरदार वलियों के सरदार हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए हैं तो खुशबू सूंघने को मिली है तो मेरे भाईओ ईमान को बचा करके रखिए ईमान जान चली जाए लेकिन ईमान न जाए इनामत आपके लिए तैयार हैं ये तो अभी मैंने दो ही वाक्य बयान किया है चलिए अब और आगे चलें याद रखिएगा हमारे और आपकी आजमाइश होनी ही होनी है चाहे जैसे भी हो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ईमान में पक्का होता है उसकी आजमाइश सबसे ज़्यादा होती है नबियों की सबसे ज़्यादा आजमाइश हुई है बहुत इम्तिहान में डाले गए हैं अयूब अलैहिस्सलाम मैं ऑप्शन दूंगा अयूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे एक साल बीस साल अठारह साल कितने साल तक बीमार रहे भाई आए। बीमार रहे एक साल बीस साल अठारह साल कितने साल तक बीमार रहे अठारह साल हम और आप अठारह घंटे भी बीमार नहीं पड़ते फिर भी शिकवे शिकायत अल्लाह ने मेरे घर ही को टिक लगा दिया बड़े नाशुकर हैं वो अठारह साल तक बीमार रहे तो एक ही दुआ पढ़ी अरहमुर राहिमीन दवा करा करा के थक गए लेकिन अल्लाह से नहीं मांगा मेरे भाई यो दवा भी है दुआ भी है दोनों लेके चलिए तब ना कामयाब होंगे दुआ अन्य मसनी राहिमीन अगर हम और आप बीमार हैं तो अयूब अली सलाम की जिंदगी को पढ़ लीजिए अगर हम और आप परेशान हाल हैं तो पढ़ लीजिए यूनूल सलाम की जिंदगी को कि मछली के पेट में डाल दिए गए समुंदर का अंधेरा मछली के पेट का अंधेरा और रात का अंधेरा पूरे अंधेरे अंदर ही अंदर एक दुआ एक दुआ जो हर चीज की दवा है इल्ला इन्नी हम और आप पढ़ते ही नहीं सब कुछ कर लिया लेकिन ये दुआ ही भूल गए मेरे भाई हमेशा पढ़ते रहिए यूनूसम ने पढ़ा तो अल्लाह ने निकाल दिया आज परेशानी तो कल आसानी आज परेशानी तो कल आसानी और परेशानी पार्ट ऑफ लाइफ है फिर उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है जिंदगी में शुक्र और सब्र दोनों लेके चलिए जिंदगी ऐसे ही चलती मुस्कुराना सीखिए मुस्कुराइए जरा हम और आप मुस्कुराते नहीं अरे चाचा क्यों टेंशन में हैं आप मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए हंसिए जरा हम और आप बैठे हुए हैं टेंशन लिए हुए हैं मेरे भाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई परेशान हो सकता नहीं लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा आज़माया गया है हदीस सही मुस्लिम किताबुल जिहाद व सर हदीस नंबर वन सेवन नाइन फाइव नबी सली वम मक् से ताइब गए उम्मुल मोमिनीन आयशा तआला ताल पूछती हैं किद से भी बड़ा दिन आया आपके ऊपर क्या क्योंकि उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए दांत शहीद हुए फिर भी दुआ दिया कौन सी दुआ रबून मेरे रब मेरी कौम को माफ़ फरमा दे क्योंकि ये जानती नहीं है सही मुस्लिम मुसलम किताबुलजहादीस नंबर वन सेवन नाइन टू अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहाँ गई अगर हम और आप परेशान हैं तो इस सुन्नत को भी तो जिंदा करें अल्लाज इस्लाम हाजिन रजुल जहलिनब उमरबा मनाकब हदीस नंबर थ्री सिक्स एट वन आलाम को इज्जत दे दे दोनों में से जो तेरे नज़दीक प्यारे हैं एक के जरिए उमर के जरिए या अबू जहल के जरिए आज भी हम और आप दुआ कर सकते कि नहीं इस सुन्नत को जिंदा कर सकते कि नहीं कर सकते भाई नहीं समझे ये सुन्नत भी जिंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये ज़रा इधर से मुस्कुराहट आ गई लग रहा है कि वहां तक हम पहुँच गए हैं जो मैं दुआ चाहता हूँ आप लोगों से मैं बिल्कुल अपने बिहारी अंदाज़ में नहीं जाना चाहता था लेकिन अब खोल के बोलना पड़ेगा हम हम वही जाना चाह रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को जिंदा कीजिए आज भी हैं हम तो दुआ कर सकते चुपके से आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे वहां तक कौन सी दुआ मैं करवाना चाह रहा हूँ दो आदमी के लिए दुआ करना है अल्लाह के नज़दीक जो महबूब होंगे हो सकता है वो सुन्नत जिंदा हो जाए भाई अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर रे भाई न देर है ना अंधेर है ये हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है अब क्या बोलू सही है कि नहीं चलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता उसके बाद क्या हो बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा लहू लहान हो गए आके रहे तो उसके बाद फरिश्ते आ गए पहाड़ के भी पहाड़ वाले फरिश्ते आ गए जिबरी अमीन आ गए दोनों आ गए अगर आप चाहते हैं तो दो पहाड़ों के बीच में इन लोगों को रखकर पीस दे अक्ष इन शेता अगर हम चाहें अगर आप चाहें तो दोनों पहाड़ों के बीच में रह के पीस दे हम और आप होते तो बोलते जल्दी पीस दीजिए लेकिन नबी वा का अखलाक देखिए क्या कहा बल अर जो खज्लामी मैया अब बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्ल में उन लोगों को पैदा करेगा जो एक अल्लाह को मानने वाले होंगे तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ताइफ के मैदान में हुई है उसके बाद भी दुआ कर रहे हैं तो हम और आप भी वक्त के फिरौन के लिए वक्त के अबू जहल के लिए वक्त के अबू लहब के लिए दुआ कब करेंगे हमारे ही समाज में अबू लहब भी घूम रहे हैं अबू तालिब भी घूम रहे हैं आपको अबू तालिब को ढूंढना है या अबू लहब के पीछे पड़ना है फिर मेरी उर्दू इधर उधर भाग गई आपको अबू तालिब को ढूंढना है अपने समाज में या अबू लहब को ढूंढना है इस समाज में अबू तालिब भी घूम रहे हैं अबू लहब भी घूम रहे हैं शेख अपने समाज में अबू लहब भी घूम रहे हैं अबू तालिब भी घूम रहे हैं हमको किससे काम लेना है भाई सब वैसे नहीं है कि सब अबू लहब हो जाएं अबू तालिब भी मौजूद है अपने समाज में मैं और खोलता लेकिन खोलूंगा नहीं आप पाबंदी लगी है हमारे समाज में अबू तालिब भी हैं अबू लहब भी हैं आपको अबू लहब को ढूंढना है या अबू तालिब को ढूंढना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ किसने दिया है आपको अब्दुल्ला बिन और को ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है जो मक्का से मदीना तक नबी अलैहि वसल्लम का गाइड कौन था मक्का से मदीना तक नबी अलैहि वसल्लम को जो ले गया है एक काफिर गैर मुस्लिम अब्दुल्ला बिन और गाइड था ऐसा गाइड था कि सौ सौ ऊँट के इनाम को भी छोड़ दिया और प्यारे नबी अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना पहुंचा दिया हम और आप होते तो सौ इनाम की लालच यहाँ एक चाय में बिक जाते हैं फिर मैं इधर उधर भाग गया मेरे भाइयों अब्दुल्ला बिन और को तलाश करो आपके समाज में मौजूद हैं जुबैर बिन मुतिम देख लीजिए मुतीम बिन अदी उनको तलाश करो अपने समाज में मौजूद हैं इब्नु दगना को तलाश करो अपनी सोसाइटी में मौजूद हैं इब्नु दगना कहा अबू बकर सिद्दीक से अबू बकर कहाँ जा रहे हो बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं कहां जा रहे हो आप जैसा न निकलेगा न निकाला जाएगा मेरे रहते हुए मेरा दोस्त और अबू बकर चला जाए आपके समाज में इब्नु दगना मौजूद हैं उनसे मिलिए है। मेरे भाई हो आजमाइश तो होनी होनी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई हफीज जालंधरी ने कहा था दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे इलाही रहम कर इन पर इन्हें नूर हिदायत दे जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ इनको फराख़ी हिम्मतों को रोशनी दे इनके सीनों को किनारे पर लगा दे डूबने वाले सफ़ीनों को इलाही फजल कर कोह सारे ताइफ के मकीनों पर इलाही फूल बरसा पत्थर वाली ज़मीनों पर प्यारे नबी अलैहि वसल्लम दुआ करते थे नबी अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है अगर आपको लगता है कि फला बहुत सखत है तो हमें और आपको भी चाहिए कि सुन्नत को जिंदा करें आखिरी हदीस पढ़ के मैं आपसे रुख्सत होऊंगा पांच गुनाहों की सजा मिल के रहेगी पांच गलतियों की सजा मिल के रहेगी उसमें से तीन ही बयान करूंगा माजा किताबुल फितन हदीस नंबर फोर जीरो वन नाइन या माशर महाजरी ने खम सुन एजब तुली तुम बहिन अये महाजरों सुन लो तुम्हारे अंदर ये पांच गुना होंगे तो अल्लाह दुनिया ही में सजा दे कर रहेगा तीन ही बयान करूंगा नंबर एक लम तजह तो फिकोमिन मजतफी असलाफीना मज़ो जहाँ खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहाँ प्लेग की बीमारी और ऐसी बीमारी आ जाएगी जो पिछले लोगों में नहीं थी आज खुल्लम खुल्ला बुराई है कि नहीं है यस या नो वलमसलमिकलवलमीज़ान अला खजुबिन व शद्दत अमाउन वजौर सुल्तान आलिम जहाँ नाप तौल में कमी होने लगे आज कर हम और आप आजकल हम और आप इस्लाम मस्जिद में देखना चाहते हैं इस्लाम मार्केट में भी है जहां नाप तौल में कमी होने लगे तीन सजा मिलकर रहेगी नंबर एक बारिश ही नहीं होगी नंबर दो नौकरी नहीं मिलेगी नंबर तीन जालिम बादशाह को अल्लाह मुसलत कर देंगे नाप तौल में कमी होने लगे मार्केट में हमारी हालत क्या है नाप तौल में कमी होने लगे तीन सजा मिलकर रहेगी आजकल हम और आप नमाज की सुन्नत बहुत पूछते हैं मार्केट की सुन्नत कोई नहीं पूछता मार्केट में कैसे माल बेचना है कोई नहीं पूछता लेकिन नमाज की सुन्नत सब पूछ रहे हैं सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह अलहमद ला जरूर पूछिए लेकिन अगर नाप तोल में कमी होगी तीन सजा मिलके रहेगी नंबर एक बारिश ही नहीं होगी नंबर दो नौकरी नहीं मिलेगी नंबर तीन जालिम बादशाह को अल्लाह मुसलत कर देंगे और, और कुछ खोलना है वलम यमन जक़ातम समा वल उहारो अगर लोग ज़क़ात नहीं निकालेंगे ज़क़ात नहीं निकालेंगे तो ख़त्म बारिश नहीं होगी ये तो जानवर हैं अल्लाह उन पर रहम खाते हुए बारिश बरसा देते हैं बातें बहुत सारी आपसे करनी थी अब वक्त मेरा ख़त्म हो चुका इन शाह फिर किसी और मुनासिबत आप से आपसे गुफ्तगु होगी मैंने ज़रा अपनी बिहारी अंदाज़ में बात किया उसके लिए ज़रा माज़रत मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी उसको आप माफ़ कर दीजिएगा जो सही बात कुरान हदीस की उसको ले लीजिएगा इन शाला फिर किसी और मुनासिबा से आपसे गुफ्तगु की आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप, ले, आप लोगों ने मुझे यहाँ दावत दी अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे जो कर्ज में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दें अल्ला हम सबको एक बना दे नेक बना दे इम्तहान में सबित कदम रकम वालेक वरहल वबरकू